इजरायली सेना को मार रहे 40,000 आत्मघाती। रूस यूक्रेन जंग से कई गुना क्रोध और खौफनाक जंग इस वक्त गाजा पट्टी में चल रही है। सात अक्टूबर से शुरू हुई जंग में बेशक हमास के 12 से ज्यादा टॉप कमांडर्स को इजरायली सेना ने मार दिया हो, लेकिन हमास ने भी इजरायली सेना के 30 के करीब सैनिक और कुछ कमांडर्स को मार गिराने का दावा किया है। यहां तक कि हथियार और तकनीक के मामले में कमजोर समझे जाने वाले हमास ने सुरंग युद्ध में इजरायल की आईडीएफ को पूरी तरह से घेर लिया है। भले ही जंग में हमास के 3,000 के करीब लड़ाके मारे जा चुके हैं, भले ही हमास के 35 के करीब टॉप और जूनियर कमांडर मारे गए हों, लेकिन अभी भी 500 किलोमीटर के एरिया में फैली हमास की 1300 सुरंगों में 40,000 से ज्यादा हमास के आत्मघाती लड़ाके। इजरायली सेना पर बहुत बड़े हमले करने के लिए तैयार बैठे हैं। हमास के कई वीडियो में दिखाया गया है कि सुरंगों के जाल से निकलकर हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना, टैंक और भारी तोपखाने पर रॉकेट से घातक हमले किए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे 29 अक्टूबर के बाद से अचानक हमास और हिजबुल्लाह मिलकर इजरायली सेना पर जबरदस्त पलटवार कर रहे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे इजरायल दावा कर रहा है कि गाजा की जंग अब हमास और हिजबुल्लाह कभी नहीं जीत पाएंगे। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्यों इजरायल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट ने हमास के नंबर 2 कमांडर याया सिनवार की हत्या करने की कसम खाई है। गाजा युद्ध का मास्टरमाइंड हमास का नंबर 2 कमांडर। كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة. ये बिल्कुल साफ हो चुका है, हमास और हिजबुल्ला निश्चित तौर पर एक बार फिर से 7 अक्टूबर जैसा हमला इजरायल पर करने की जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका की CIA, इजरायल की मोसाद और बेनशेत खुफिया एजेंसियों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि इस वक्त हमास ज्यादा से ज्यादा इजरायली हमलों को झेलने की कोशिश कर रहा है। असल में हमास आने वाले दिनों में हिजबुल्ला के साथ मिलकर इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी कर चुका है। खबर के मुताबिक हमास गाजा सिटी के अंदर भयानक तबाही मचाने की पूरी तैयारी 2 हफ्ते पहले ही कर चुका है। इजरायली सेना को मार रहे 40,000 आत्मघाती। كيف نقلتوهم؟ لا نريد أكل ولا نريد سلاح.
हमास ने गाजा में इसराइल को उलझाने की पूरी तैयारी कर रखी है। गाजा की सुरंगों में हमास ने इतने हथियार, खाना पानी और गोला बारूद जमा कर रखा है जिससे वो लंबे समय तक इसराइल का मुकाबला कर सकते हैं। हमास की कोशिश युद्ध को लंबा खींचकर इसराइल के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाना है। हमास के सूत्रों के अनुसार हमास के पास लगभग 40,000 लड़ाके हैं जो कई सालों तक सैकड़ों किलोमीटर लंबी और 80 मीटर गहरी गढ़वाली सुरंगों में छिपे रह सकते हैं। हालांकि इजरायली सेना डंके की चोट पर कह रही है कि हमास के 2500 से ज्यादा ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं जबकि सुरंगों में 1700 से ज्यादा हमास के लड़ाके जिंदा ही दफन कर दिए गए हैं। इसराइल की यालोम विशेष लड़ाकू इंजीनियरिंग इकाई के सैनिक ने हमास की सुरंगों का सफाया बड़ी तेजी से करना शुरू कर दिया है। गाजा युद्ध का मास्टरमाइंड हमास का नंबर दो कमांडर। ואנחנו עושים את מה שנדרש. גדודי החמאס סופגים מכות קשות ואנחנו מפרקים גדוד אחרי גדוד. אפשר לראות כאן את אזורי העיר עזה. בכל מקום כזה, בכל ריבוע כזה, יש לפחות מסגרת גדודית או פלוגתית. המסגרות האלה הולכות ומתקרסמות, הולכות ומתפרקות כתוצאה מהפעולה הנחושה של לוחמי צה"ל. इसराइल के रक्षा सचिव यो गैलेंट, इसराइली सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हर्जी हेलेवी, आईटीएफ के ब्रिगेडियर जनरल एतिजिक कोहेन का साफ कहना है कि हमास को गाजा पट्टी में अब दोबारा कभी घुसने नहीं देंगे और ना ही अब गाजा में कभी भी हमास का एक भी लड़ाका या नेता जिंदा बच पाएगा। इसराइली सेना के स्पेशल फोर्स इस वक्त गाजा सिटी के बेहद अंदर घुसकर ऑपरेशन चला रही है। इजरायली सेना के टॉप कमांडर्स की मीटिंग में एक ही बात पर खास जोर दिया जा रहा है कि हमास की भीषण तबाही और इजरायली सैनिकों को हमास के जानलेवा हमलों से बचाना, यही वजह है कि इजरायली जमीनी सेना के खुफिया इनपुट को लेकर उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा और वेस्ट बैंक में चुन चुन कर भीषण हमले कर रहे हैं। इसराइल ने गाजा के सबसे बड़े रिफ्यूजी कैंप जबालिया में प्रचंड हवाई हमला किया है। इसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बम और मिसाइलों के हमलों ने उत्तरी गाजा को कब्रिस्तान बना दिया है। इमारतों से निकली लाशें और चीखते फिलिस्तीनियों की तस्वीरें देखकर अरब लीग के 22 देश खून का घूंट पीकर रह गए हैं। 2 नवंबर को यूएन स्कूल पर इसराइल ने हमला किया था। इसमें 27 फिलिस्तीनी मारे गए थे। इसराइल लगातार स्कूलों, अस्पतालों को निशाना बना रहा है जहां फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी है। इसराइल का साफ कहना है कि हमास के लड़ाके इन जगहों पर छिपे हैं इसलिए हमले कर रहे हैं। इधर इसराइल ने गाजा पट्टी में भीषण हमले किए हैं जिसमें से एक हमला अल शिफा अस्पताल पर हुआ है। आईडीएफ ने दावा किया है कि अल शिफा अस्पताल के बाहर जिस एम्बुलेंस से मरीजों को मिस्र ले जाने का दावा किया जा रहा था उस एम्बुलेंस में हमास के लड़ाके और कमांडर मौजूद थे जो अल शिफा अस्पताल की एम्बुलेंस से मिस्र भाग रहे थे। लेकिन हॉस्पिटल में मौजूद इजरायली एजेंटों ने आखिरी वक्त में खबर कर दी कि एम्बुलेंस में मरीज नहीं, हमास के लड़ाके हैं, जिसके बाद इसराइल ने अल शिफा अस्पताल पर हमला करके एम्बुलेंस में मौजूद हमास लड़ाकों को मार डाला। لقينا الا برميل متفجر، هذا مش صاروخ طبيعي، هذا اشي مش طبيعي، اول مره نسمعه. هاي كامل زي ما انت شايف عندك كله راح، ناس امنين صغار ماتت، كلهم اطفال طلعناهم، نساء ماتت. هم هذول هدفهم بس قتل الابرياء والاطفال والنساء بس، بدهم عدد قتلى وعدد موت. इजरायली वायुसेना बेहद घातक बम और मिसाइलों से हमला कर रही है जिसकी वजह से हमास के लड़ाकों और आम फिलिस्तीनियों की लाशें भाप बनकर गायब हो चुकी हैं। इसीलिए 3,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों का पता नहीं चल रहा है। इसराइली वायुसेना ने जबालिया कैंप पर दागे 907 किलो के बमों से हमला किया है जिसने जबालिया कैंप के चीथड़े उड़ा दिए हैं। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक इसराइल ने 31 अक्टूबर को गाजा के सबसे बड़े रिफ्यूजी कैंप जबालिया पर 907 किलो के बम दागे थे जिसकी वजह से गाजा की जमीन पर 40 फीट चौड़े 2 गड्ढे हो गए थे। इस हमले में करीब 195 लोग मारे गए थे। मिडिल ईस्ट की मीडिया के मुताबिक गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि लगातार हो रही इजरायली बमबारी की वजह से 2200 लोग मलबे में दबे हैं, इनमें 1250 बच्चे हैं।
इजरायली सेना मस्जिदों पर भी हमला कर रही है। यूएन का साफ कहना है कि गाजा में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची है। इधर इजरायल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट ने हमास के सबसे टॉप नेताओं और कमांडर्स को जान से मारने का ऑर्डर दे दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री ने हमास के नंबर दो नेता याया सिनवार की हत्या करने की कसम खाई है। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना हमास के इस टॉप आतंकवादी याया सिनवार को हर कीमत पर ढूंढ निकालेगी और जान से मार देगी। ज्वालामुखी रॉकेट से हिज़्बुल्लाह का हमला। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक युद्ध के अंत में गाजा में हमास नहीं रहेगा। गाजा पट्टी से इजरायल के लिए कोई सुरक्षा खतरा नहीं होगा और इजरायल को धमकी देने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की सुरक्षा कार्रवाई को करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। आईडीएफ ने इस हफ्ते के अंत में बताया था कि शिन बेत के साथ चलाए गए ऑपरेशन में हमास के सबरा तेल अल हवा बटालियन के कमांडर मुस्तफा दलुल को मार गिराया गया है। युद्ध की शुरुआत के बाद से दलुल ने गाजा पट्टी में आईडीएफ सैनिकों के खिलाफ लड़ाई में एक केंद्रीय भूमिका निभाई थी। इधर हिज़्बुल्लाह ने इजरायल की आईडीएफ के खिलाफ अपने ज्वालामुखी रॉकेट को उतार दिया है, जिसे बुरहान मिसाइलों के नाम से जाना जाता है। मिसाइल जैसी क्षमता और रॉकेट जैसी मारक क्षमता वाले बुरहान मिसाइलों ने इजरायली सेना पर हमले शुरू कर दिए हैं। उत्तरी लेबनान की सीमा से लगी इजरायली बॉर्डर पर बुरहान मिसाइलों से हमले किए हैं। हिज़्बुल्लाह के दावों के मुताबिक इजरायल ने लेबनान की सीमा पर हवाई हमले शुरू किए थे, जिसके जवाब में हिज़्बुल्लाह ने ज्वालामुखी रॉकेट यानी बुरहान मिसाइल से हमला किया है। जोरदार धमाके साफ देखे जा सकते हैं। हिज़्बुल्लाह के बुरहान मिसाइल जो ज्वालामुखी रॉकेट के नाम से मशहूर है, उससे इजरायली सेना पर हमला हुआ है। हिज़्बुल्लाह के दावों के मुताबिक इजरायल की साइट जिसे लेबनान में जट अल अल्लाम के नाम से जाना जाता है, उस पर हिज़्बुल्लाह ने दो बड़ी बुरहान मिसाइलों से हमला किया है। हिज़्बुल्लाह के मुताबिक बुरहान मिसाइलें जिन्हें ज्वालामुखी रॉकेट के नाम से जाना जाता है, वो 500 से 2000 मीटर तक हमला करती है। बुरहान मिसाइलों का वजन सैकड़ों किलोग्राम होता है। अब देखना होगा कि हमास और हिज़्बुल्लाह मिलकर इजरायल को गाजा पट्टी में मात दे पाएंगे या फिर इजरायल हमास के साथ साथ हिज़्बुल्लाह का वजूद भी खत्म कर देगा।